जय भोलेनाथ। दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास भी पैसा ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, आपको बार बार धन संबंधित मंदी का सामना करना पड़ रहा है, आपकी तिजोरी बार बार खाली हो रही है, तो इस वीडियो में बने रहे। हो सकता है ये छोटा सा उपाय आपका बहुत ही बड़ा काम कर जाए। तो दोस्तों, वीडियो को कर दे अभी से लाइक, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खोकर लाइक करना भूल भी सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाएं और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त और छोटा सा प्रयोग आपकी बहुत ही बड़े काम आने वाला है। आपको क्या करना है, पहले आप नेवले का ऐसा बिल ढूंढें जिसमें नेवले का जोड़ा रहता हो, और उस बिल के बाहर कुछ मिट्टी अपने आप बाहर आ गई हो, यानी बारीक मिट्टी के बिल के मुख पर आई हो, तो ऐसा बिल आपको पहले देख कर रखना है। इसके बाद आप शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उस बिल के पास थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा गुड़ लेकर जाए। ध्यान रहे दोस्तों कि आप जिस समय बिल के पास जाएंगे, उस समय नेवले का जोड़ा बिल के अंदर ही होना चाहिए। तो आप पहले आपने जो रोली लाई है उसे बिल से बाहर निकली हुई मिट्टी पर डाल दे और उस गुड़ को उसी बिल के द्वार पर रख दे, और जब तक आप तब तक वही खड़े रहे जब तक कि आपने रखा हुआ गुड़ नेवले खा ना ले। जब नेवले आपने रखा हुआ गुड़ खाकर बिल में चले जाएंगे, तो आप धीरे से जाकर उस बिल के द्वार की ऐसी मिट्टी लेकर आए जिस पर नेवले के पैर पड़े हो। तो दोस्तों, उस मिट्टी को घर लाकर आप एक बार गूगल की धुनी दे और उस मिट्टी को शुद्ध लाल वस्त्र में बांधकर वहां पर रख दे जहां पर आप अपने पैसे रखते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि इस छोटे से उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी धन से संबंधित सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होती नजर आएगी और आपके घर में धन का अभाव कभी भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल आसान छोटा सा उपाय है, इसे एक बार जरूर आजमाएं और इसका लाभ जरूर लें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाएं, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, एक और नए प्रयोग के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।